हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रेशम बाग स्थित एक घर में पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि यहां रहने वाले लोगों ने मृत की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया। मृतक का नाम अजहर बेग बताया जा रहा है। बताया जाता है कि अजहर बेग को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और ये दिन भर शराब के नशे में धुत रहता था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पे एक इतला आई कि एक आदमी की लाश रेशमबाग के घर पे पड़ी हुई है। फौरी हम लोग हम और हमारे सब इंस्पेक्टर्स यहाँ पे पहुँचे रेशमबाग में। जब तहकीकात करे तो हमको मालूम हुआ कि रेशमबाग में एक घर पे मिर्जा अजहर अली बेग नामकारी 36 साल का एक आदमी का लाश पड़ी हुई है। हम लोग पुलिस टीम को भी बुलवाया गया, पुलिस टीम वाले भी इसको तहकीकात करें। और हमको अभी तक मालूम हुआ कि ये पी के कभी भी नीचे गिरता रहा था, बल्कि मालूम हुआ और उसको इस लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मार्शल को भिजवाया। हैदराबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।